वेल वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बज रहे हैं 8। हम लोग एक घंटे पहले निकले थे जैसे हम लोग थार से जा रहे हैं जैसलमेर। अनुरोध भैया ने मतलब जिद पकड़ ही ली थी भाई जैसलमेर तो चलना ही है, तो इस वीकेंड पे हम लोग निकल रहे हैं अभी जैसलमेर। देखते हैं क्या क्या उधम होने वाली है। तो देखो भैया बात ऐसी, अनुरोध भैया ने मेरे को कल रात को फोन किया कि भैया जैसलमेर चल रहे हैं, तो अभी हम दोनों ही निकल रहे हैं और बाकी लोग तो आ नहीं पाए, तो अभी हम लोग किशनगढ़ से पहले कहीं पर रुके, ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं फिर आगे निकलते हैं। चलो। और हाँ आपको एक चीज़ बताना भूल गए, अभी थार एकदम पी रही है पेट्रोल, मतलब वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट लगा हुआ है इसके अंदर और फुल मुँह खोल के पी रही है अभी पेट्रोल दबा के। चलो जी ब्रेकफास्ट कर लिया दबा के, अब लंच तक भूख नहीं लगने वाली है। बाइक पे होते ना तो सोच समझ के ब्रेकफास्ट करना पड़ता है, लाइट ब्रेकफास्ट करना। अभी थार में चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो अभी क्या है, इसके डोर का ना एरर आ रहा है, अब पता नहीं कौन से का है। हमने तीनों तो डोर चेक कर लिए हैं, अभी एक बार बोनेट भी चेक कर लेते हैं। करो, अरे अभी भी आ रहा है। वाह यार, राजीव जी गया। सो कई बार क्या होता है ना, कोई चीज अपन ढूंढ रहे थे लेकिन बाद में याद आता है कि वो तो अपनी जेब में होती है। ऐसा ही कुछ अभी हुआ, जो हमारी थार के अंदर ना एरर दिखा रहा था डोर का। हमने तीनों डोर चेक कर लिए, बंद करके देख लिया अच्छे से, लेकिन वो एरर नहीं गया। अभी राजेश भाई अभी कॉल पे थे, उन्होंने बोला एक बार हुड बंद करके देखो, तो हुड जैसे बंद किया ना वो एरर चला गया। मतलब ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था महिंद्रा से है। जैसलमेर हम लोग पहले एक इवेंट में जाने वाले थे, तो इवेंट तो हो गया कैंसिल। तो अभी मैं और अनुरोध भैया निकल चुके हैं, मैं बाइक से जाने वाला था लेकिन आपको पता है कि अभी मेरे बाइक का टायर नहीं मिल रहा है। जब तक टायर नहीं मिलेंगे ना तब तक अपन अभी कहीं राइड वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि लखनऊ गया था ना तभी धोखा दे दिया था, तो उस टाइम तो बच गए थे। अभी मैं दोबारा रिस्क लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन अभी जब जैसलमेर जा रहे थे कुछ धमाकेदार करके आएंगे, घूम के आएंगे बढ़िया से, है ना। बिल्कुल, देखते हैं क्या एक्सप्लोर कर पाते हैं कहाँ कहाँ पे। और हाँ सबसे अच्छी बात ये है कि इसका 4x4 अभी तक इंगेज नहीं हुआ है, जैसलमेर में जाके इंगेज होगा सीधा ड्यून्स के अंदर। तो लेट्स गो। मस्त धूप आ गई है, अब पेट्रोल तो देखो भाई कितना ही पीने वाली है अभी। आपको क्या लगता है ये? फाइव टैंक्स। देखते हैं, अभी तो घर से चले हैं, जब से डलवाए नहीं अब डलवाएंगे एक बार। और अभी 86 किलोमीटर आ चुके हैं हम लोग, हमने ट्रिप जीरो कर दिया था जब घर से निकले थे। फुल कर दो भैया। हाँ जी पेट्रोल है। रानी बेटी अभी 3000 का तो आ चुका है। अरे भाई भरे ही जा रहा पेट्रोल, धैन दमादम। कितने रुके हैं आपके लोग? कितने? हाँ तो ये भैया फुल हो चुका है टैंक। चलो तो भैया अभी आया 52 लीटर्स, 51.98। वाह भैया इंडियन फ्लैग यहाँ पे भी मस्त लग रहा है, जैसे सेंट्रल पार्क में ना वैसा ही है ये। रेंज कितना दिखा रहा है अभी, आया क्या रेंज? तो जैसलमेर है अभी 481 किलोमीटर, फ्यूल रेंज दिखा रहा है 434, पर मुझे लग रहा है एक और रिफ्यूल करवाना पड़ेगा अपने को, है ना। और एग्जॉस्ट की आवाज सुन रहे हो क्या मजेदार? रिमोट का है ये रहा, ये बंद हो गई आवाज। शेर को बकरी बना सकते हैं। ये देखो ऐसे लोग ना बहुत ही गंदे लगते हैं, देखो रोड क्रॉस कर रहे हैं मतलब हाईवे पे, एक और बंदा खड़ा है यहाँ पे देखो मरने के लिए, बीच में कूदते हैं भाई ये लोग मेन आए। जिस स्पीड से अभी अपन चल रहे हैं ना, मुझे लगता नहीं है ये 300 से भी ज्यादा चलेगी। फुल रॉकेट चल रहे हैं अपन तो भाई, फुल रॉकेट जा रहे हैं। जैसे मैं लखनऊ जा रहा था ना जयपुर से बाइक पे, वैसे ही अभी रॉकेट जा रहे हैं थार से। क्या व्यू आ रहा है, मतलब अपना आईफोन ना एकदम गोप्रो के एंगल की तरह काम कर रहा है भाई। पूरे पूरे हैं, बिल्कुल बिल्कुल रॉकेट। सामने व्यू देखो यार,
ट्रक जा रहा ना आगे, उसके भी आगे। भाई वेदर की वजह से ना बहुत ही मजा आ रहा है जैसलमेर में जाने में। रात को भी ठंडी है उधर, दिन के अंदर हल्की सी गर्मी हो चुकी है जैसलमेर में। और ये जगह देखो भाई, जब मैं बाइक से आया था ना इस साइड में, तब रुकने का मौका नहीं मिला क्योंकि रात हो चुकी थी, लेकिन अभी थार से आए तो एक बार फोटो वोटो क्लिक कर लेते हैं। काफी बढ़िया ड्रोन शॉट आया यहाँ पे, बट अभी आगे निकलना पड़ेगा, है ना अनिल भैया? बिल्कुल, इधर लेट हो जाएंगे। अभी आप सोच लो जैसलमेर में ड्यून्स के अंदर क्या बढ़िया बढ़िया ड्रोन शॉट्स आने वाले हैं। उसके लिए अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिल जाएगी, नोटिफिकेशन पे ऑल कर लेना, और काफी मजा आने वाला है जैसलमेर में। क्या व्यू आ रहा है भाई, क्या व्यू, धूम मचा ले नंबर। अब फील आ रहा होगा ना इस वाले एग्जॉस्ट के साथ, इसके बिना गाड़ी नहीं। और एक और इन्होंने एंडेवर के साथ भी धोखा किया है, जब से थार ले ली ना एंडेवर के तो हाथ ही नहीं लगा रहे बेचारी के। तो अभी जैसलमेर से 200 किलोमीटर दूर है, अभी यहाँ पे खाया जाएगा चूरमा दाल बाटी, आधा आधा करना पड़ेगा जो भी है, वरना बहुत भारी हो जाएगा। अभी सिचुएशन ये है कि भैया धूप में जाओगे तो गर्मी लगती है, छाया में बैठोगे हल्की हल्की ठंड लगती है, मतलब बढ़िया मजेदार मौसम हो रखा है। अभी देखते हैं कल कैसा रहने वाला है, क्योंकि हम लोग पूरा ऑफरिंग का प्लान करके आए हैं, अभी हमारे पास एक ही गाड़ी है। सही है, ज्यादा भी नहीं खाना है ना, रोटी मंगवा लूं क्या? और अच्छा, और प्याज कांदे सही है क्या? दाल बाटी चूरमा जम के खाए चूरमा। हाय 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 हाय, चलो जी हो गया लंच 3 बजे, 2 या 2.5 घंटे और लगेंगे, 200 किलोमीटर बता रहा था। या अकेले निकलने के ये भी फायदे हैं, थोड़ा टाइम कम वेस्ट होता है दूसरों का वेट करने में। भाई पता नहीं जैसलमेर के ड्यून्स तो हम लोग कब पहुंचेंगे, रास्ते में ये वाले ड्यून्स दिख गए, करे इनकी मौत करके आते हैं। यहाँ पे 2-3 गाड़ियाँ दिखी हमको, 4x4 तो कल्पना नगर याद दिला दिए इन ड्यून्स ने तो अपने को। ओ हो हो, किस गाड़ी, वो भी आगे भी ड्यून्स हैं, कल कुछ है नहीं, बस छोटा सा ड्यून है, इन्होंने खुद ही घर का देखेंगे। ऐसे ड्यून तो हम जयपुर में ही देख लेते हैं। वाह, टैंक एक ही बार हमने फुल करवाया था, अब मुझे लग रहा है वापस कराना पड़ेगा। 90 किलोमीटर कितना रेंज दिखा रहा है, 85। तो भैया एक ड्यून दिखा मेरे को बहुत ही भयंकर, ये देखो भाई कैसा चमक रहा है, मतलब पूरा। और ये वाला ड्यून मेरे को इसलिए
से ही लग रहा है क्योंकि यहाँ पे मेरे को लग नहीं रहा दूर दूर तक कि कोई इस पे गया होगा। अगर इस पे लोग जाते ना तो ये भी खराब हो जाता। अड़ा दी भाई थार को इससे ज्यादा भाग नहीं गई भाई। ये तो खाली रोड थी इसलिए हमने टच कर ली। मस्त लग रहे हैं तो सरसों के खेत भी। भैया रिफिल का टाइम आ चुका है, अभी 19 किलोमीटर के रेंज दिखा रही है, अभी एक बार रिफिल कराते हैं, देखते हैं कितना आया। एक बार किसी तो डर लगने लग गया था, पता नहीं पेट्रोल पंप कितना दूर मिलेगा। बहुत स्लो आया हूँ मैं, फुल कर दो। तो भैया अभी मैं पोखरण में खड़ा हूँ, तो पोखरण के अंदर क्या है यहाँ पे ब्लास्ट वगैरह होते रहते हैं, आर्मी वगैरह की ट्रेनिंग होती रहती है, तो इसके वजह से ना कई सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो भैया बता रहे पहले मेरा हाथ ना यहाँ पहुँचता नहीं था, है अब मशीन नीचे आ गई क्या? ये कितना टाइम लगा? 3 साल हो गए। 3 साल के अंदर नीचे आ गई जमीन? बहुत ही बढ़िया। और रेडिएशन वगैरह उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं, खाली बिल्डिंग का ही है। हाँ दरारें आ जाती हैं। हाँ देखो दरारे आ गई इसमें भी, तो और जाने और जाएगा। पेट्रोल की दूसरी गाड़ी देख रहे हो अभी तक आप? ये थार पहले कर लास्ट सीजन में देखी थी। लीटर आया 50.32। तो भाई अभी मैंने ना कैलकुलेशन निकाला था जब मैं गाड़ी के अंदर बैठा था। जो लोग पेट्रोल थार बुक करना चाह रहे ना भाई, सोच समझ के करना, बहुत कम माइलेज है, 7 या 8 का माइलेज दे दिया अभी पेट्रोल के अंदर। अभी चलते हैं। तो वापस फ्यूल रेंज आ चुके हैं 383 किलोमीटर। अभी जैसलमेर है यहाँ से 110। चलो जी गुड नाइट, सो जाओ। हंड्रेड रुपए की एक आंख खुली, व्यू देखा, कैमरा चालू। व्यू बढ़िया आ रहा है, एंड्रॉइड फोन ने। पहुंच चुके हैं भैया जैसलमेर, सनसेट का टाइम हो रहा है, अभी विंड मिल के पास जाने की कोशिश करते हैं। तो अभी विंड मिल के पास पहुंचना ना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ पे पीछे फ्रेम में दिख रहा होगा थोड़े गड्ढे कर दिए यहाँ पे, तो इसी वजह से ना अभी थार का ऊपर जाना मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है। तो अभी हम लोग रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा, हाँ इवनिंग टाइम भी है। तो अपन पहले भी 2 बार जैसलमेर आए और दोनों बार था थोड़ा एक्सपीरियंस थोड़ा खराब था, अभी रिस्क नहीं लेंगे ऊपर। अभी हम लोग आगे जाएंगे कासम भाई के पास, वहीं पर रात को स्टे करेंगे। अभी फोटोज वगैरह क्लिक कर लेते हैं जो कि आप लोगों को इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगी। ओके जी, तो अभी अनुरुद्ध भैया तो वहाँ पे सो गए हैं एंड अभी अपन कासम भाई के पास आ चुके हैं जहाँ पे अपन ने लास्ट टाइम स्टे किया था जब लास्ट टाइम अपन जैसलमेर आए थे। तो अभी कल का प्लान ऐसा है कि या तो हम लोग ड्यून बैशिंग पे जाएंगे कोई डिफरेंट लोकेशन पे जो कि बहुत कम लोगों ने देखी होगी जैसलमेर में, और अगर वहाँ पे नहीं जाते तो हम लोग कल तनोट मरा जाएंगे। अभी कासम भाई से आप लोगों को कल वाले व्लॉग के अंदर मिलवाऊंगा, वो वाला व्लॉग देखना है आप लोगों को तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन पे कर सकते हैं ऑल। तो अभी इस वीडियो को मेरे को यहीं पे क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को इस वीडियो को एडिट भी करना है, उसके साथ साथ ना मेरे को अपलोड करना है, तभी आप लोग ये वाला व्लॉग आप लोग मॉर्निंग में देख पाओगे। तो अभी इस वीडियो को करते हैं यहीं पे क्लोज। आई होप आप लोगों को शॉर्ट एंड सिंपल व्लॉग पसंद आएगा। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम बाय, इट्स सेफ।